मुझे लग ही नहीं रहा है कि दिवाली दिवाली क्या, ये घर घर ही नहीं लग रहा है। हर्ष चला गया, बाकी के बच्चे नैनीताल चले गए, भानु पल्लवी के जाने से सब कुछ तितर बितर हो गया। अब तो रोक लेती ना सबको, जाने नहीं देती। कैसे, कौन मेरी बात मानता? नहीं किरण, मिठाई नॉट अलाउड। जब कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम क्यों सुने? मैं पल्लवी को बता दूंगी और फिर वो तुझे डांटे। उसका पता ही नहीं कहाँ है वो, तो कैसे बताएगी? सारा घर सुना सुना लग रहा है। जब घर की लक्ष्मी घर में नहीं है तो पूजा भी अधूरी लगती। एक बात तो बता किरण, पिछले कुछ दिनों से तू पल्लवी से बहुत नाराज थी और अब जब वो चली गई है तो तुझे उसकी याद आ रही है। क्यों उसके पीछे पड़ी थी? क्या किया था मेरी बेटी ने, बता क्या किया था? तेरी वजह से तो गई है वो। पता है, मुझसे ज्यादा पल्लवी तेरे करीब थी। कहा उसने तुझे कि उसने निखिल और सोनाली की शादी क्यों करवाई? बिना वजह पल्लवी इतना बड़ा कदम ले ही नहीं सकती है। मैं उससे जानती हूँ, माँ हूँ उसकी। बता ना किरण, कुछ पता है तुझे? नहीं बता सकते हम, हमें कसम दी है बहू ने। किरण बताना प्लीज। हो नंदिता, तुम यहाँ पर क्यों नहीं थी? यू नो कार्ड पार्टी में कितना मजा आया, इट वाज सो मच फन, और तुम ओके चली गई। वैसे दादी वगैरह तो वही पुरानी रस्में पूजा एंड ऑल रखवाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते, तो इसीलिए मैंने कार्ड पार्टी विथ ब्रंच विथ ड्रिंक्स ये सब ऑर्गेनाइज किया था। निक, हाय निक। हाय। ये क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो क्या? तुमने कार्ड पार्टी भी ज्वाइन नहीं की और अभी भी बाहर जा रहे हो? मेरे फ्रेंड्स को तुमसे मिलना था निक। I'm really sorry, Sonali, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी था। It's okay, मैं समझ सकती हूँ, बीवी जो हूँ तुम्हारी। मैं कैसी लग रही हूँ? नाइस, इनफैक्ट आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है, कैफे जाना है। निक, मैं शाम को फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली हूँ, तुम भी अगर ज्वाइन करो तो इट विल बी फन। एक्चुअली सोनाली, आज ऑफिस में पूजा है ना, और स्टाफ को बोनस भी देना है दिवाली का, तो फिर कभी। ओके बाय। निक, एक और बात, मैं सोच रही थी कि बादल का 18th बर्थडे आ रहा है, 18 साल का हो जाएगा वो, और तुम जो उसे ऑलरेडी जो तुमने कैफे दे दिया है, क्यों ना तुम उसे ऑफिशियली वो कैफे दे दो, पेपर्स वगैरह बनवा के, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, यू नो। कैफे से वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे शाम को। ओके बाय बाय। नंदिता, तुमने फोन काटा नहीं अब तक? एनीवे, तुमने सुना निक मेरी कैसी तारीफ कर रहा था? गुड, वैसे तो मुझे पता ही था कि एक बार वो डाउनग्रेडेड पल्लवी चली जाएगी तो निक उसे याद भी नहीं करेगा। कहीं भी जाए, जहनुम जाए, जिए मरे, मुझे उससे क्या। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।